गया है लोगों का शुभ विचार में कहा जाता है क्या चीज़ कि हर एक नई शुरुआत इंसान को डराती है लेकिन कामयाबी मुश्किलों के बाद आती है। मित्रों एकदम डरना नहीं है, जम के मेहनत करना है, गर्द उड़ा देना है, फाड़ चीर देना है। नमस्कार मित्रों, नमस्ते सर, आपके लिए तुरंत के दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। सबसे बड़ा बात यह है इसमें कि ये पूरा बेसिक लेवल से चला गया है। इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक ही वीडियो में बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा उसका मान बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पहला वाला वीडियो जो हम अपलोड किए हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं आप। सबसे पहले उसमें चर्चा किया गया है कि त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि अर्थ, उसके पिता यानी कि जनक, फादर ऑफ त्रिकोणमिति आई मीन ट्रिगोनोमेट्री। और आप देख सकते हैं कि उसमें बताया गया है कि तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कोण का ही एक तरह से देखा जाए तो कोण कोण के बारे में बढ़िया जानकारी बहुत जरूरी चाहिए। क्यों कि इसमें होता क्या है आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से हीरो बनाने वाले हैं। इसमें कोणों और भुजाओं का संबंध दर्शाया जाता है त्रिकोणमिति में, जो कि हिपार्कस सबसे पहले दर्शाए थे, भुजाओं और कोणों के बीच संबंध, हिपार्कस है ना, हिपार्कस। तो हम यही कहने वाले हैं कि हिपार्कस को ही तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, यानी कि त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है, हिपार्कस को। तो वैसे के लिए आपको पता होगा कि हिपार्कस जो है त्रिकोणमिति के जनक है। वो वीडियो अगर पार्ट वन आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा, कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं बिना देख करते हुए एकदम मस्ती से सीखते हैं क्या इसमें सीखने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो उस वीडियो में देखिएगा तो आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति जब हम पढ़ रहे हैं तो कोण को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम बोल के वहाँ लास्ट किए थे और बताए थे कि कोण जो होता है दो बेसिस का होता है। जैसे कि आप देखेंगे एक त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाला कोण होता है, एक ज्यामिति में प्रयोग होने वाला कोण होता है। तो ज्यामितीय कोण का अगर हम नहीं जानकारी प्राप्त करते हैं तो त्रिकोणमिति थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्यों कि न्यून कोण, अधिक कोण वगैरह का मान इसमें थोड़ा सा चर्चा किया जाता है। समकोण जैसे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया है ना, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री कहिए है ना, ये सब कमान निकालने के लिए उसमें आता है। इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा कौन है, कैसे कैसे पहचानिएगा, तो हम लोग आसानी से पहचानेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए आप सावधानी देखें है ना, एकदम आनंद लें और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग कौन के बारे में पढ़ लेते हैं, पूरा जितना भी कौन होता है चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको पढ़ाएंगे यानी कि एंगल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ाने वाले हैं, एंगल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोणों को कितने तरीका से मापा जाता है। बहुत मजा आने वाला है, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। इसलिए शांति से देखें, पूरा पूरा वीडियो देखें है ना, क्योंकि आप लोग को पता होगा एक कहावत कहा गया है लोगों का शुभ विचार में कहा जाता है क्या चीज़ कि हर एक नई शुरुआत इंसान को डराती है लेकिन कामयाबी मुश्किलों के बाद आती है। मित्रों एकदम डरना नहीं है, जम के मेहनत करना है, गर्द उड़ा देना है, फाड़ चीर देना है। फाड़ चीर देना मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि संघर्ष करके सफलता को झुका देना है। बहुत समझदार है आप लोग। चलिए तो हम लोग एंगल पढ़ने वाले हैं, मजा आने वाला। चलिए तो हम लोग पहले ज्यामितीय कोण का हम चर्चा करने वाले हैं। ज्यामितीय कोण वहाँ पर बताया गया था, हम कोण बताए थे, तो कोण दो भाग में हम किए थे, दो भाग में है ना, त्रिकोणमितीय ज्यामितीय कोण, ज्यामितीय कोण बहुत बढ़िया, ज्योमेट्रिकल बहुत बहुत बढ़िया, ज्योमेट्रिकल एंगल यहाँ पर है ना, ट्राइगोनोमेट्रिकल बहुत अच्छा एंगल, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत समझदार, एंगल को हम कोण कहते हैं। चलिए आप हम अभी ये पढ़ाएंगे थोड़ा सा, कैसे सर क्यों इसको पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमितीय कोण पढ़ाइए डायरेक्ट, मज़ा आएगा। हम कहेंगे बाबू त्रिकोणमितीय कोण भी पढ़ लेंगे है ना, त्रिकोणमितीय कोण ही पढ़ लेंगे, यहाँ पर दीर्घईकार होता है बाबू, बहुत अच्छा, हम लोग वही पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात पहले थोड़ा सा सीख लें, उसके बाद मजा आएगा। जानते हो ना, बेसिक चीज़ से ही आपको बड़े बड़े चीज़ सीखने में सहायता मिलता है। तो पहले कौन पढ़ लें, ज्यामितीय कौन, फिर हम त्रिकोणमितीय कौन पढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। डायरेक्ट हम साइन थीटा कोस थीटा नहीं करने वाले हैं, P/H, A/P बहुत बड़ा कॉन्टेंट हम लोग चलेंगे, उधर देखेंगे सीखेंगे, पर पहले एकदम जीरो से हीरो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बड़ा गर्दा उड़ जाएगा। पहले सावधानी से देखिए सीखिए ज्यामितीय कौन में क्या होगा। ज्यामितीय कोण का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, उसमें बताया भी गया था आप लोग को है ना, वीडियो आप वन देख लें, उसमें देखिए बताया गया है कि एक ही बिंदु से है ना दो भिन्न दिशाओं में, एक ही बिंदु से दो भिन्न दिशाओं में है ना, अलग अलग दिशाओं, भिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में जब दो किरण खींचा जाता है तो उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, बहुत बढ़िया है ना। यही कोण आपका ज्यामितीय कोण होगा, लेकिन ज्यामितीय कोण हमेशा धनात्मक होता है, प्लस होता है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोण का परिभाषा लिख करके अब पूरे ज्यामितीय कोण को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम ज्यामितीय कोण का पूरा डिस्कस करें। ज्यामितीय कोण, ज्योमेट्रिकल
एंगल्स, सिमेट्रिकल एंगल्स। इसमें क्या कहना है, कंटेंट्स हो गया आपका मेन पॉइंट। थोड़ा सा इसमें हम लोग लिखेंगे पहले कोण के बारे में, कोण, कोण क्या कहेंगे मित्रों। जैसे कि लिखा गया आपको कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा बाबू, बहुत समझदार, एंगल देखे हैं, हाँ बहुत अच्छा। कोण एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, बहुत अच्छा हुआ, क्या दिशाओं में खींची गई दो किरणों के बीच की दूरी, दो किरणों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, बहुत अच्छा, कोण कहते हैं। इस प्रकार से अगर ये बिंदु O है, ई ए है, ई बी है, तो कोण को हम क्या कहेंगे, हाँ बहुत अच्छा। कोण का संकेत पूछेगा तो कोण का संकेत, कोण का संकेत, संकेत पूछा जाए सिंबल ऑफ एंगल, तो कोण का संकेत हो जाता है बाबू ऐसे, इस तरह से, है ना, इस तरह से। अगर कहीं पर आपको लिखा गया है, बहुत बढ़िया, कहीं पर लिख दिया गया है एंगल, जैसे कि इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे एंगल, सॉरी एंगल ए ओ वी, इसको लिखने का तरीका, या एंगल बी ओ ए, या एंगल, या एंगल ओ भी लिख सकते हैं, इतना तरीका है ना। पहला ऐसे बोल सकते हैं, बीच वाला का वैल्यू होता है ना, बहुत अच्छा, ए ओ बी या बी ओ ए, इस प्रकार से इस कोण का नाम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, त्रिकोणमितीय कोण का संकेत क्या होता है, त्रिकोण मिति में कोणों के संकेत देखा जाए, हम लोग ज्यामिति में ऐसे करके आगे लिख लेते हैं इस प्रकार से बापू, जैसे कि यार कहेंगे तो क्या कहें, जैसे लिखा रहेगा आपको ए वी ए वी सी, तो क्या पढ़िएगा इसको, इसको पढ़िएगा कौन, एंगल, है ना, इसको पढ़ना है एंगल, पढ़ना है, ठीक है, एंगल ए वी सी, या कहो कौन ए वी सी, बहुत अच्छा है ना, इसको समझिए आप, इतना को क्या पढ़ेंगे, कौन ए वी सी, ज्यामिति के हिसाब से आइए। लेकिन हम कह रहे थे कि त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में कौन का संकेत क्या होगा, है ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं बाबू। चलिए संकेत, संकेत देखा जाए तो कोणों को संकेत हम लोग ना कई तरीका से, थीटा, इसको थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, थीटा, है ना, ऐसे संकेत हम डिस्कस करेंगे जब ज्यामिति को पढ़ा, त्रिकोणमिति को पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, थीटा, है ना, अल्फा, संकेत नीचे हम लिख रहे हैं अल्फा, ऐसे करके, ये सब ग्रीक शब्द है, अल्फा अल्फा, उसके बाद है बीटा, बी के फिर भी देना है बीटा, वी टा, गामा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, साई, सब संकेत का नाम है, ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना, और करके ऐसे काट देना है, मतलब कि इस प्रकार से कुछ, फाई, इसको कहते हैं फाई, फाई, ठीक है, इतना फिलहाल के लिए याद रखें आप, बहुत मजा आएगा, है ना। त्रिकोणमिति में अगर कोण का संकेत पूछा जाए, कोण का, जैसे कि यहाँ पर है, अगर यही त्रिकोणमिति कोण होता है, जैसे थीटा वगैरह से लिखते हैं, थीटा, गामा, डेल्टा, बीटा, ऐसे होता है, चलता है। बेसिकली हम चर्चा करेंगे जो त्रिकोणमिति कोण, तो हम आपको पूरा पूरा बताएंगे, टेंशन ना ले। तो आप पहले समझें एंगल के बारे में, एक ही बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जब हम दो किरण खींचते हैं, तो उनके बीच की दूरी को हम कोण कहते हैं। वो आगे बढ़ते हुआ बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो कोण हम कैसे, देखिए कोण का संकेत क्या होता है, कोण को हम ऐसे लिखते हैं, कोण को, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसे ऐसे नाम बोला जाए तो इसको शॉर्टकट में कोण को ऐसे लिखा जाएगा, ज्योमेट्रिकल रूप में, ज्यामितीय रूप में, ठीक है। जैसे कि बताया गया आपको, या कह सकते हैं कोण ए ओ बी, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे तो कोण, कोण ए ओ वी, समझ गए होंगे आप, लिखने तरीका ऐसे करके ऐसे, चाहे ऐसे करके ऐसे, या सिर्फ इसको बीच वाला का इंडिकेट किया जाता है। चलिए ये सब पता होगा आपको, आगे बढ़ जाते हैं, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए रेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो बैक करके आप संकेत को देख सकते हैं, पीछे में कोई दिक्कत नहीं है, सभी का लिखा भी गया है, क्या लिखा था यहाँ पर, थीटा, तो लिखा गया थीटा, है ना, अल्फा कैसे होता है, बीटा कैसे होता है, गामा कैसे होता है ना, उसको देख करके आप लिख करके पर प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, सर ये ग्रीक शब्द है। आगे बढ़िए, कौन समझ गए, कौन के प्रकार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति में, बाबू जो त्रिकोणमिति पहला बार पढ़ रहा है ना, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि कौन नहीं जानेगा, अगर कौन नहीं जानेगा तो कैसे त्रिकोणमिति पढ़ेगा। अब बताइए क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति कौन का माप, जब कौन ही नहीं पता होगा तो कैसे पढ़ पाएगा, इसलिए पूरा पूरा कौन उसे पढ़ना है तो मजा आएगा, सिंपल। जैसे कि गुना सीखने के लिए जोड़ाना जरूरी है ना, भागा,
सीखने के लिए घटाओ, इस प्रकार से कि घटाओ उसका, उसमें घटाओ की क्रिया होता है। मेरा मानना है कि पहले बेसिक सीखें, बहुत मजा आएगा। अगर नहीं जानते हो कौन त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा, है ना, पाई आ जाता है ना, पाई बाई फोर का मान निकालने के लिए आता है, साइन पाई बाई फोर, पाई बाई फोर क्या है, फिर दिक्कत होगा ना। तो कौन पहले पढ़ते हैं, फिर कौन के मापने के लिए सीखेंगे, कैसे कैसे कौनों को मापा जाता है, बहुत मजा आने वाला है। इसलिए एकदम जीरो से बता रहे हैं। आप ये ना सोचें कि त्रिकोणमिति में सर ज्यामिति का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चित्रमिति पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन होता है कोई भी चीज़, है ना, बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए, जैसे इंसान से पूछा जाए कि आप कैसे बोलते हो, तो कहेगा मुँह से, बताइए मुँह में दांत का, जीभ का, सब कुछ का योगदान होता है ना, तलवा का, कंठ का, सबका योगदान होता है, ग्रामर पढ़े होंगे, इसलिए सब कुछ का बहुत मजा आने वाला है। शाम से देखें, बहुत वीडियो पूरा देखें, एकदम आनंद आएगा, घर दौड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, है ना, ताकि वो देख पाएँ, इसका आनंद ले पाएँ, ठीक है। तो मित्रों, हम लोग क्या कहें, सबसे पहले देखते हैं कौन के प्रकार, है ना, ज्यामिति, यही कौन के हम प्रकार के बारे में देखेंगे, कौन के प्रकार, कौन गुणों के प्रकार, बहुत मजा आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ, बहुत अच्छा, एंगल्स, एकदम मजा आएगा बच्चों से, बच्चों एकदम मजा आने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है, ठीक है मित्रों। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, आइए देखते हैं क्या है। पहला हम लोग सीखेंगे सुन्नी कोण, शून्य कोण, बहुत अच्छा, सुन्नी कोण, जीरो जीरो, CBSE बिहार बोर्ड जो भी हो, कोई भी बोर्ड के हो, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सही पढ़ सकते हैं, जीरो जीरो एंगल, एंगल। दूसरा है बाबू, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत मजा आने वाला है, शून्य कोण, फिर न्यून, न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इस तरह से। तीसरा आपका हो जाएगा समकोण, राइट एंगल। चलिए देखते हैं अगला, अधिक, अधिक कोण, ध्यान दें, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं ना, ऑब्टियोस एंगल, अति सुंदर, बहुत मजा आ रहा है बाबू, ध्यान दो, पूरा पूरा पढ़ाएंगे, कुछ डिफरेंट रहेगा, हल्का सा आप सोच रहे हो ना, जो हल्का सा अलग होने वाला है, देखिए सिर पहले, है ना, अधिक कोण, उसके बाद आपका हो जाएगा बाबू समतल कोण, या सरल कोण, सरल कोण, समतल कोण, स्ट्रेट एंगल, छठा पूर्ण युक्त कोण, पूर्णयुक्त कोण, देखें सीखें, पूर्णयुक्त कोण, पूर्णयुक्त कोण, तो यहाँ हो जाएगा आपका रिफ, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, सतमा, रिफ्लेक्स एंगल। अगला है आपका पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, यह संपूर्ण कोण भी से कहते हैं, पूर्णयुक्त कोण, पूर्णयुक्त कोण है, इसको झुका हुआ कोण भी कहते हैं, झुका हुआ, ठीक है, हाँ, झुकी हुई कोण, याद रखिएगा, किसे कहते हैं झुकी हुई कोण, किसे कहते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल को, पूर्ण कोण, कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो मित्रों, हमने पूरे कोण के बारे में यहाँ लिख दिया है, हम इस सबको पूरा पूरा भी पढ़ने वाले हैं, एकदम बिंदास से, बहुत मजा आने वाला है, आप चाहें जिसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम समझाएंगे, बहुत अच्छे। शून्य कोण, जीरो एंगल, ठीक है, शून्य कोण, जीरो एंगल, शून्य कोण को यानी कि जीरो एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, न्यून कोण एक्यूट एंगल, ACUTE, है ना, एक्यूट, टी एक्यूट एंगल, समकोण राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE ऑब्ट्यूस एंगल, समतल कोण या सरल कोण या रिजु कोण, बहुत अच्छे है ना। देखिए रिफ्लेक्स एंगल जो है उसको हम बृहत कोण,
प्रयुक्त कोण या झुकी हुई कोण भी कहते हैं। ज़्यादा चलता है ये और ये, ठीक है ना, ये बहुत कम चलता है। रिजी कोण भी नाम ज़्यादा चलता है, और सरल कोण नाम चलता है किसका, स्ट्रेट एंगल का, ठीक है। हाँ, समतल कोण या सरल कोण या आपको रिजी कोण कहे तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। बृहत कोण, पूर्ण युक्त कोण या झुकी हुई कोण, इंग्लिश आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। सर ऐसे क्यों किए हैं, ये सभी नाम चलता है इसलिए हमने लिख दिया बाबू। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, सबका हम डिफिनेशन जानेंगे बारी बारी से, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए सीखते हैं पहले डिफिनेशन किसका, शून्य कोण का। शून्य कोण किसे कहते हैं, वैसा कौन जिसका मान शून्य के बराबर हो, शून्य डिग्री के। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर नाम इसका मिटा रहे हैं थोड़ा सा। आइए, वैसा कौन जिसका मापांक जीरो डिग्री के बराबर हो, जीरो डिग्री। अच्छा, डिग्री रेडियन ग्रेड क्या होता है सर, देखिए यहाँ अगर बात करें हम तो सभी लोग जानते हैं कि वैसा कौन जिसका मान शून्य डिग्री के बराबर हो उसे हम शून्य कौन कहते हैं। न्यून कौन, वैसा कौन जिसका मान जीरो डिग्री से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, सॉरी जीरो से बड़ा तथा 90 डिग्री से, हाँ डिग्री को ना ऐसे लिखा जाता है बाबू ऐसे, ठीक है। ऐसे करके नहीं, जीरो पर दे दिए ऐसे डिग्री नहीं हो गया, एकदम थोड़ा छोटा सा सुनना देना होता है, बहुत अच्छा बाबू है ना, ये तो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जीरो से बड़ा तथा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा, छोटा यानी कि वैसा कौन है ना, न्यून कौन कैसे कहें, वैसा कौन जो 90 डिग्री से बड़ा तथा देखिए जीरो से बड़ा तथा 90 से छोटा। आप तो यही पढ़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा सा और चेंज करेंगे हम लोग, है ना, कहेंगे वैसा कौन जो जीरो डिग्री से बड़ा 90 से छोटा, लेकिन 90 के साथ साथ हम लिखेंगे क्या चीज कि 100 ग्रेड से भी छोटा। ग्रेड में तो ग्रेड क्या होता है सर, ग्रेड लफड़ा हो गया, दिक्कत पड़ गया, टेंशन ना लें, अगले वीडियो हम ग्रेड का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर ही होता है। 90 डिग्री है ना इक्वल टू 100 ग्रेड है ना। ये कौन सा सिस्टम है, किस सिस्टम में हम ग्रेड का यूज करते हैं बताएंगे, इसके लिए टेंशन ना लें, बिंदास रहें, और आपको अगले वीडियो में हम अवश्य चर्चा करेंगे पूरा नापने वाला, नापने के लिए कोण को कितने तरीका से नापा जाता है, टेंशन ना लें। अभी फिलहाल के लिए आप यही तरीका से सीखें। हाँ, न्यून कोण वैसा कौन जिसका मान जीरो डिग्री से बड़ा 90 से छोटा हो। एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल में ना जीरो से बड़ा लीजिए कुछ भी, 3 डिग्री भी हो जाएगा, 10 डिग्री भी हो जाएगा, 50 डिग्री भी हो जाएगा, 89 डिग्री भी हो जाएगा, मतलब छोटा होना चाहिए जीरो से बड़ा, बहुत अच्छा बाबू। आइए यहाँ पर समकोण में आइए, समकोण वैसा कौन जिसका मान है ना, जिसका मान क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, बराबर हो, बहुत अच्छे बाबू। हाँ, 90 डिग्री बराबर होगा उसे हम समकोण कहेंगे। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, डायर एंगल मेजरमेंट इक्वल टू 90 डिग्री इट्स कॉल्ड राइट एंगल। वैसा कौन जिसका मान 90 के बराबर हो, बहुत बढ़िया। अधिक कौन क्या है बाबू, हाँ इसमें कहेंगे 90 से बड़ा। ध्यान दीजिएगा, वैसा कौन जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, छोटा हो, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे है ना। अधिक कौन 90 डिग्री से बड़ा और 180 छोटा, वैसा कौन जिसका मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। 180 डिग्री में होना चाहिए लेकिन, 90 डिग्री से बड़ा 180 छोटा, 180 डिग्री से छोटा मतलब क्या, 91 कह सकते हो एग्जाम्पल में, 170 कह सकते हो छोटा है, 120 कह सकते हो छोटा है ना, बहुत अच्छे बहुत समझदार है ना बाबू, 179 भी ले सकते हो इत्यादि। आप समझिए 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, सभी अधिक कोण है। समतल कोण जिस कोण का माप क्या हो, यहाँ 90 के बराबर रहेगा तो समकोण, और अगर दो समकोण हो जाएगा, समकोण की दुगुना हो जाएगा तो सरल कोण या रिजु कोण यानी कि 180 डिग्री के बराबर, के बराबर। या कोण 90 डिग्री कहेगा तो समकोण कहेंगे, और 180 डिग्री बात करेगा तो सरल कोण या समतुल कोण कहेंगे यानी कि रिजु कोण कहेंगे। 180 डिग्री को सरल कोण कहा जाता है। आइए बृहत कोण, सर सब फिगर बना के दिखाइए सबका, हम कहेंगे या देखिए इसमें दोनों रेखा चढ़ा हुआ रहता है शून्य कोण में, इसके अंदर में ही शून्य कोण बनेगा, बहुत बढ़िया बाबू। न्यून कोण ये देखिए 90 डिग्री से 90 डिग्री पहले देखिए समकोण का ऐसे रहेगा है ना, इस तरह से ऐसे रहता बाबू, एक दूसरे पर एकदम सीधा, जैसे पृथ्वी पर खड़ा रहते हैं तो क्या रहते हैं, परपेंडिकुलरली सीधा रहते हैं ना, ये 90 डिग्री कोण बनाता है सीधा, जैसे झुक के अगर प्रयास करेंगे रहने के लिए तो गिर जाएंगे ना, सीधा रहते हैं तो बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एकदम सीधा रहता है ना, ये 90 डिग्री का कोण हो गया ठीक है, और इसी प्रकार से झुक जाता है तो कोण कम हो जाता है, तो न्यून कोण जो होता है 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा यानी कि उसका हमेशा झुका हुआ रहेगा इस साइड से है ना, दोनों एक ही साइड झुका हुआ रहता है, न्यून कोण है ना, ध्यान दीजिएगा। और 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से
जाएगा, अधिक कोण इधर झुका हुआ रहेगा, यहाँ तक 90, इधर झुकेगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा बाबू। ये देखिए ऐसे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। समतल कोण कैसे होता है, एक रेखा पर एक बिंदु रहेगा, ये पूरा देखिए एक रेखा खींच के एक बिंदु देते हैं तो इसके पूरे एक साइड में एक कोण बन जाता है 180 डिग्री का। बहुत अच्छे बाबू, बहुत समझदार हो। कैसे बोले हम, ये देखिए है ना, एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री, कुल मिला के कितना हुआ 360। इसका मतलब एक बिंदु पर है ना कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। पता था, बहुत बढ़िया। अगर पता है तो लिखिए सर पता था, नहीं पता था तो बोलो जान गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बाबू है ना, एक बिंदु के चारों ओर देखा जाए 360 डिग्री। आपसे एक सवाल है, आप बताइए कि घड़ी के एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनते हैं, है ना, ये हम जवाब अगले वीडियो में देंगे। बहुत 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 बीच में हम क्वेश्चन किए एक छोटा सा, देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। घड़ी में कुल 360 डिग्री का कोण होता है ना, होता है कैसे, जैसे इसमें एक वृत्त में 360 तो घड़ी में भी 360, तो आपको बताना है कि घड़ी के एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, एक मिनट में कितना डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, बहुत अच्छा हाँ, तथा 360 डिग्री से छोटा है ना, क्या बोले हम, वैसा कौन जिसका मान क्या हो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए, 180 बड़ा कैसा, एग्जांपल आ रहा ना जी, एग्जांपल जैसे 100 से कुछ 80 से ज़्यादा, एक 80 भी लेंगे चलेगा है ना, बहुत अच्छे, 190 भी लेंगे तो चलेगा है ना, 200 डिग्री भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से 300, अगर हम 50 भी लेते हैं तो चलेगा, ETC। आप समझिए है ना, ये सब जो है आपका सभी के सभी क्या है, सभी के सभी बाबू बृहत कोण है या पूर्णिक कोण है ना, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। अब आप समझिए 270 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा कमेंट में कीजिए, येस या नो, बहुत अच्छे हाँ। पूर्ण कोण क्या होता है, कंप्लीट एंगल, कुल कोण कितना होता है, कुल मिलाकर के हम बताएं जब बिंदु पर घुमाते हैं तो 360 होता है। तो यहाँ पर आपका अगर पूछा जाए कि इसका फिगर कैसा होगा सर, फिगर इसका एकदम 180 यहाँ तक हो जाता है पूरा, तो यहाँ से भी झुक जाएगा ऐसे, यहाँ से भी झुक जाएगा इस तरह से, 180 ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, मैंने एक तरह देखा जाए इसका फिगर कैसा हो जाएगा, इसका फिगर कुछ हो जाएगा इस प्रकार से है ना, 180 पूरा बन रहा है यहाँ तक 180। अब यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं इधर तो क्या हुआ, इतना ही बढ़ गया कौन, 180 पूरा ये बढ़ा, कुल मिला के हुआ ही पूर्णयुक्त कौन, झुका हुआ कौन, इसीलिए कहलाता है झुकी हुई कौन, ठीक है, याद रखिएगा ये पूर्णयुक्त कौन। पूर्ण कौन कुल होता है 360 डिग्री का, वैसा कौन जिसका मापांक 360 के बराबर हो, मतलब 4 समकोण के बराबर हो है ना, जिस कोण का माप यहीं बगल में हम लिख देते हैं इस साइड में है ना, जिसका माप क्या हो, माप 360 डिग्री के बराबर हो। चलिए समझना काफ़ी है, लिखा तो सेम जाएगा, ठीक है, वैसा कोण जिसका क्या बाबू, ऐसा कोण जिसका माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है, कंप्लीट एंगल कहा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक है ना, एक बात ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, शून्य कोण 0 डिग्री को, न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री इत्यादि, बहुत अच्छे। समकोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए उसे समकोण कहेंगे, अधिक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा, बहुत अच्छे, अधिक कौन कहलाएंगे, 90 से बड़ा 91 हो गया, ये सबसे है ना, 100 से छोटा, जो भी दीजिए एग्जांपल अपने मन से। चलिए तो सरल कोण जिसका मान 2 समकोण के बराबर हो, मतलब कि 180 डिग्री के बराबर हो, 90 प्लस 90 यानी कि वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम रिजिव कोण या सरल कोण कहते हैं। पूर्णयुक्त कोण वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा हो उसे हम पूर्णयुक्त कोण कहते हैं, है ना, जैसे कि आप लोग देखते होंगे एग्जांपल में 181, 190, 200 इत्यादि। चलिए पूर्ण कोण 4 समकोण के बराबर होता है, 4 समकोण में क्या, एक समकोण में 90 डिग्री तो 4 समकोण में 9 चौके 60 यानी कि 9 चौके 60 बोल रहे हैं हम, सॉरी तो 9 चौके 36 यानी कि 9 × 4 कितना, 4 कितना हुआ, 9 × 4 = 36 जीरो दीजिएगा यानी कि 360, कुल मिला के 9 × 36 कहिएगा तो 360 डिग्री, 4 समकोण बराबर होता है पूर्ण कोण, इसलिए पूर्ण कोण वैसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। क्लियर है, ग्रेड में पूर्ण कोण का मान कितना होता है, एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, एक और जो बताएंगे उनके लिए विशेष विशेष धन्यवाद। हम देखना चाहते हैं कौन कौन जवाब देते हैं, ग्रेड में है ना, यहाँ सवाल है, ग्रेड में पूर्ण कोण का मान बताएं क्या होगा,
ठीक है क्वेश्चन। तो अब आज के लिए यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो के आगे बढ़ाइए ताकि लोग देखें समझें, और अगला वीडियो में आपको पूर्णतः बताया जाएगा ज्यामितीय त्रिकोणमितीय फॉर्म, ताकि आप सीख पाएं ज्यामिति। फिर हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में पूर्णतः हम प्रवेश कर जाएंगे और बेहतर तरीके से आपको हम साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है अनुपात बताएंगे। आज के लिए सिवा यहीं तक, और वीडियो देखें कैसा लगा कमेंट में बताएं। विशेष विशेष धन्यवाद। जय हिंद।